पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कई जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। शहर के दिल्ली रोड स्थित सर्किट हाउस में सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत एक बैठक का आयोजन कराया गया, जिसमें सांसद डॉक्टर एसटी हसन, महापौर विनोद अग्रवाल के साथ जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी के साथ अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने शहर की अनेक समस्याओं पर चर्चा की और ये कहा है कि यातायात नियमों का पालन कराने के लिए सभी लोग जागरूकता कार्यक्रम के और साथ ही चेकिंग अभियान भी चलाया जाए। सड़कों की जर्जर हालत को लेकर भी इस बैठक में आवाज उठाई गई, जिसमें कहा गया है कि जो सड़क के गड्ढे हैं उनको भरने का काम भी किया जाए। इस अवसर पर जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने इस बैठक के दौरान सभी से अपील की है कि जो कमियां हैं उनका सुधार कर लिया जाए। पूरे देश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत समाज में जागरूकता फैलाने के लिए काम भी किए जा रहे हैं। शहर के दिल्ली रोड स्थित सर्किट हाउस में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत बैठक का आयोजन कराया गया। आयोजित बैठक की अध्यक्षता सांसद डॉ. एसटी हसन द्वारा की गई। बैठक में जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी, महापौर विनोद अग्रवाल भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान सभी वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कराने के लिए चेकिंग अभियान बेहतर तरीके से चलाया जाए। सभी से यातायात नियमों का पालन करने की अपील भी की जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो चालान की कार्यवाही कर सभी को ये संदेश दिया जाए कि यह अभियान सिर्फ आपके लिए है। इस अवसर पर शहर की कई सड़कों में गड्ढों को लेकर आवाज उठाई गई, जिस पर ये कहा गया है कि शहर में जितने भी गड्ढे हैं उनको भरने का काम किया जाए। सांसद डॉक्टर एस टी हसन ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा, इंसान की जिंदगी से जुड़ी हुई है और इस चर्चा में एक सकारात्मक परिणाम भी निकलना चाहिए। सिर्फ चर्चा ही इसका मेन मकसद नहीं होना चाहिए। जो चर्चाएं हुई हॉटस्पॉट के बारे में, यही साहब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हॉटस्पॉट पे तीन चीजें जो डिस्कस हुई है। एक तो हॉटस्पॉट जहाँ भी है वहाँ पे अतिक्रमण फ्री हो, ब्लैक स्पॉट अतिक्रमण वहां पर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, गड्ढा मुक्त होना चाहिए। और तीसरी चीज जो मैं देख रहा हूँ, जिस तरह से गड्ढे आप लोग भरते हो, जो टेक्निक है उसे नहीं इस्तेमाल करते। पहले रेक्टेंगुलर काटना चाहिए, उसको डेप्थ में जाना चाहिए, उसके बाद भराव होना चाहिए। अभी आपने 0 पॉइंट में हमने देखा भराव किया, कई बहुत गड्ढे थे, वो 2 महीने के अंदर अंदर गड्ढे उखड़ने शुरू हो गए और दोबारा गड्ढे हो रहे हैं। तो वो टेक्निक सही नहीं है जिस तरह से इंजीनियर लोग वहां पे कर रहे हैं, तो उसको जरा सा देखिए, टेक्निक अच्छी होनी चाहिए। तीसरा एक स्पॉट है जहाँ हाथे साहब से रोड आती है और पुल के ऊपर चढ़ती है, जहाँ पे मेरे साहब ने अटल द्वार भी बनवाया है, वो भी एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। हाईवे से ट्रैफिक आता है और इधर से लोग चढ़ते हैं, मोटरसाइकिलें और तमाम चीजें आती हैं, उस पर भी कोई ऐसा इंतजाम करिए कि जब लोग मुड़े तो कहीं एक्सीडेंट ना हो मोटरसाइकिलों से। अभी जो बात हुई लोगों को एजुकेट करना, हमें स्कूल के बच्चों को सबसे ज्यादा टारगेट करना चाहिए कि क्योंकि वही सबसे ज्यादा प्रोन होते हैं, उन्हें एजुकेट भी करना। और दूसरा मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने डिपार्टमेंट से कि जगह जगह हमें ऐसे साइन बोर्ड लगाइए कि जो आपके इंडिकेटर्स हैं, जो साइन है, वो हर आम आदमी भी उसे देखे और समझ लीजिए इस बात का है। अभी हालात ये हैं कि 60% लोग तो जानते नहीं कि जो आपने साइन लगाए हैं वो है क्या, वो उसके बोर्ड लग जाए और उसके आगे लिख दिया जाए कि ये साइन इस बात का है, कहाँ पे आपको यू टर्न लेना है, कहाँ पे आपको सीधा जाना है, वो उसकी भी ट्रेनिंग सबको होनी चाहिए। अभी गन्ने का सीजन है, ट्रॉलियां चल रही हैं और कोहरा बहुत है, कोहरे में बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, आप 12वीं पढ़ रहे होंगे, हम ये समझते हैं उसके लिए हमें डिस्कस करना चाहिए था कि सबसे ज्यादा जो इस वक्त एक्सीडेंट हो रहे हैं कोहरे की वजह से हो रहे हैं। ट्रॉली चल रही है, ट्रॉली के पीछे रिफ्लेक्टर होना चाहिए, सारी ट्रॉली के पीछे, जरूरी नहीं कि गन्ना ही हो उसमें, बहुत सी ट्रॉली ऐसी है जिसको रिफ्लेक्टर है ही नहीं, कोहरा है दिखा नहीं। और मैं तो ये कहूंगा आप लोगों से कि आप एक नियम बना दो कि गन्ने की ट्रॉली के पीछे एक रेड लाइट लगी होनी चाहिए। अक्सर हमने देखा है ट्रेलों में वो रेड लाइट लगा देते हैं और सीधा कार से कनेक्शन कर देते हैं, अगर वो रेड लाइट लगी हुई है तो वो गन्ने की ट्रॉली से कोई नहीं टकराएगा, उसका प्रावधान भी अपनी तरफ से करके और रिफ्लेक्टर में जरूर करिए।
रिफ्लेक्टर मैं देख रहा हूँ कि अभी 50% ट्रॉलियों में नहीं, 80% हाँ बहुत लोगों में नहीं है। दूसरा कि हम ये देखते हैं कि जो हमारी ट्रैफिक की समस्या आती है, हमारे जितने भी ऑटो चालक हैं, थ्री व्हीलर से फोर व्हीलर से, इनको कोई ट्रेनिंग नहीं है। ये आते हैं जहाँ इनको सवारी मिली, ये बीच में खड़े हो गए, पीछे जाम लग गया, या ऐसे एकदम से निकले और आगे मोटरसाइकिल टकरा दी, तो इनको भी बुला के एक ट्रेनिंग कैंप लगाइए कि भाई आपको किस जगह खड़ा होना है और आपको कौन से रूल्स फॉलो करने हैं। हर जगह ये लोग ट्रैफिक की समस्या बन जाते हैं। बैठक के अंत में जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जो समस्याएं इस बैठक में आई हैं, उनका समाधान करने का काम किया जाए। उसमें और क्या कार्रवाई उस प्रकरण पर की गई, खासतौर से टेंट की पुलिया वाले इशू पे, या और भी जो एक्सीडेंट प्रोन एरिया हनुमान मूर्ति का रहा के संबंध में, जिसमें समय से जो है वो सभी विभागों को पत्र लिखवा करके, हम बुद्ध क्योंकि आप सदस्य सचिव है, तो बिल्कुल ठोस कार्रवाई के साथ जो भी मौके पर कार्य होता है उसकी सूचना प्राप्त करेंगे और माननीय अध्यक्ष महोदय को प्लस माननीय महापौर जी को, एसएसपी साहब को, सभी को आप मेरी तरफ से उसमें बाकायदा विभागों द्वारा क्या कार्रवाई की गई है उससे समय अवगत करा देंगे। धन्यवाद। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत आज जनपदीय सड़क सुरक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता माननीय सांसद जी द्वारा की गई है। उसी में सड़क सुरक्षा को और अधिक सुनिश्चित करने के लिए जो विभिन्न प्रकार के उपाय हैं उस पर विचार विमर्श किया गया, दिशा निर्देश प्राप्त किए गए हैं, एक दो दिन में प्रोसीडिंग जारी कर दी जाएगी और सभी भी जो उसके जुड़े हुए विभाग हैं उस पर अमल करेंगे ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। शहर के गड्ढों की और सड़कों की प्रॉब्लम डाइवर्जन को लेकर कुछ बिल्कुल उस पर बात हुई है, जहाँ जहाँ पर भी है स्पॉट्स कुछ, तो अध्यक्ष महोदय ने खुद कुछ को इंगित करके PWD को निर्देशित किया है और शीघ्र ही इनको सुधारात्मक कार्यों से इन गड्ढों को मुक्त किया जाएगा, प्लस कहीं भी ट्रैफिक डाइवर्जन से संबंधित या ट्रैफिक के इंजीनियरिंग से संबंधित कोई समस्या है तो वो रोड एजेंसी उसको दूर कराए।